अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरे नए YouTube चैनल आर रानी सागरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं रानी सागर से नेपाल तक खूबसूरत सफ़र। ये बस देखें, कृष्णा रथ बस है। इसी बस से हम लोग आज करीब ऐसाबाद हम लोग जाने वाले हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत बस है, काफ़ी बड़ी भी है। ये एसी वाली बस है जिससे हम लोग नेपाल इस्तमे के लिए जाने वाले हैं। रानी सागर गांव से नेपाल इस्तमे में 70 से ज़्यादा आदमी इस बस से जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बस के अंदर की खूबसूरती। अब हम लोग आ गए हैं बस के अंदर और ये देखें असगर भाई, सारे साथी बस के अंदर बैठे हुए हैं और ये देखें कितनी खूबसूरत बस है अंदर से। अब हम लोग सुबह मिलते हैं, सुबह हो गई है और देखें हम लोग के आमिर साहब एक होटल पर गाड़ी रुकवा कर सारे साथी ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करके वजू करके तैयार हैं। अब सारे साथी जब ब्रश कर लेंगे और जब फ्रेश हो जाएंगे तब नमाज होगी और नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर बस से नेपाल इस्तमा तक जाएंगे। और देखें ये कौन सी होटल है, देख लें, ये मौर्या, हम लोग ये मौर्या जो दरभंगा में है। अब देखें सारे साथी, कुछ साथी वजू करके तैयार हैं। अब सारे साथी बस में चढ़ रहे हैं एक एक करके नेपाल इस्तमा के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, देखें पहुंच चुके हैं नेपाल से 10 किलोमीटर पहले। कुछ साथी इस्तकबाल के लिए खड़े थे और हम लोग के बस रुकवा कर और सारे साथी को एक बिस्किट और एक बोतल पानी और एक कप चाय दे रहे हैं। और देखें सारे साथी बिस्किट खाकर पानी पी रहे हैं। और जब सारे साथी चाय पी लेंगे तब हम लोग जाएंगे नेपाल इस समय में। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेपाल बॉर्डर पर। ये देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की पुलिस आधार कार्ड और सारे साथी के सामान चेक कर रही है। और देखें यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर तक सिर्फ अल्लाह वाले लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखें अब हम लोग पहुँच चुके हैं नेपाल इस्तमे में। लोग पहुंच चुके हैं नेपाल इस्तमे में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आए हैं नेपाल के इस्तमे में। ये भीड़ देखें, ये भीड़ के अलावा ये भीड़ का उबलता हुआ सैलाब देखें। ये भीड़ इतनी लंबी है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक सिर्फ अल्लाह वाले नज़र आ रहे हैं। लोग एक ही सफ में, सभी लोग एक दूसरे का पूरा ख्याल करते हुए चल रहे हैं। देखें कि अल्लाह वाले अपने साथी का ख्याल करते हुए चल रहे हैं कि किसी साथी का तकलीफ़ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए भीड़ बड़े संभल कर चल रही है। और यहाँ से देखें करीब 10 किलोमीटर दूर तक गाड़ी और आदमी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। कितने लोग इस समय में आए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये भीड़ों का उबलता हुआ सैलाब हमें दिखाई दे रहा है। देखें अच्छे तरीके से वीडियो देख लें और इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि पूरे दुनिया के आदमी को, इंसान
पूरे दुनिया में ये पता चले कि हम मुसलमान अपने दीन को फैलाने के लिए कितना कुर्बानी दे सकते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करें मेरे भाई, इस वीडियो को खूब शेयर करें।